गुड मॉर्निंग स्वीट लिटिल चिल्ड्रन, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फिट एंड हेल्दी। मे गॉड ब्लेस यू विद गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस। लेट्स प्रे टू गॉड एंड थैंक हिम फॉर ऑल हिज ब्लेसिंग्स ही इज शेयरिंग अपॉन अस। ऑल ऑफ यू जॉइन योर हैंड्स फॉर मॉर्निंग प्रेयर। बेटा, टुडे वी विल रिवाइज चैप्टर नंबर 22। नेम ऑफ द चैप्टर इज आर एनवायरनमेंट। बेटा, वेयर डू वी लिव? हम कहाँ रहते हैं? यस, वी लिव ऑन द अर्थ। अर्थ इज द होम टू ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब आपको अच्छी तरीके से मालूम है लिविंग थिंग्स में क्या क्या आता है। यस, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। एंड नॉन लिविंग थिंग्स कौन कौन सी होती हैं? एयर, वाटर, सॉइल, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स। तो सभी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स मिलकर क्या बनाते हैं? इन्वायरमेंट। तो वॉट इज इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस। अब इन्वायरमेंट के दो पार्ट होते हैं। नंबर वन, नेचुरल इन्वायरमेंट। नंबर टू, मैन मेड इन्वायरमेंट। अब नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है? बेटा, नेम से पता चल रहा है नेचर ने जिस चीज़ को दिया है। नेचुरल इन्वायरमेंट इज द इन्वायरमेंट फॉर्म्ड बाय नेचर, लाइक फॉरेस्ट, एनिमल्स, प्लांट्स, माउंटेन्स। और मैन मेड इन्वायरमेंट, जैसे नाम से पता चल रहा है, जिसको मैन ने बनाया है। मैन मेड इन्वायरमेंट इज द इन्वायरमेंट क्रिएटेड बाय मैन बाय चेंजिंग द नेचुरल इन्वायरमेंट, लाइक रोड, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स। ये सभी क्या हैं? हमारे मैन मेड इन्वायरमेंट हैं। तो इन्वायरमेंट दो तरीके के होते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट एंड मैन मेड इन्वायरमेंट। बेटा, जस्ट नाउ वी टॉक्ड अबाउट इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट इज ऑफ टू टाइप, नेचुरल इन्वायरमेंट एंड मैन मेड इन्वायरमेंट। ह्यूमन बींग्स चेंज नेचुरल इन्वायरमेंट फॉर देयर ओन बेनिफिट। अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए ह्यूमन बींग्स नेचुरल इन्वायरमेंट को चेंज कर रही है। इन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग इन्वायरमेंट, ह्यूमन बींग्स एब्यूज इन्वायरमेंट एंड मेक इट डर्टी, एंड दिस इज कॉल्ड पोल्यूशन। सो वट इज पोल्यूशन? मेकिंग इन्वायरमेंट डर्टी बाई एडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेज इन इट इज कॉल्ड पोल्यूशन। पोल्यूशन क्या होता है बेटा? इन्वायरमेंट को गंदा करना। और इन्वायरमेंट कैसे गंदा होता है? जब उसके अंदर हार्मफुल थिंग्स एंटर करती हैं। हार्मफुल थिंग्स में क्या आ जाएगा बेटा? जैसे स्मोक आ जाएगा, जो हमारे बर्निंग फ्यूल से होता है, या हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट डर्टी हो जाता है। पोल्यूशन इज बेसिकली ऑफ फोर टाइप। पोल्यूशन चार तरीके के होते हैं। नंबर वन, एयर पोल्यूशन। नंबर टू, लैंड पोल्यूशन। नंबर थ्री, वाटर पोल्यूशन। एंड नंबर फोर, नॉइज पोल्यूशन। नंबर वन बेटा, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या होता है? मेकिंग एयर डर्टी बाय एडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस इन इट। एंड नाउ व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन का सबसे मेन कॉज कौन सा है? यस, स्मोक। स्मोक इज द मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। ये स्मोक आता कहाँ से बेटा? बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम। व्हीकल्स के धुआं जो होता है, उससे भी एयर पोल्यूट होती है। हम लोग फायर क्रैकर्स बर्स्ट करते हैं फेस्टिवल्स पर, उससे भी बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, जिससे कि एयर पोल्यूट होती है। इसके अलावा और कौन कौन से कॉजेज हैं एयर पोल्यूशन के?
फॉरेस्ट फायर्स, सैंडस्टॉर्म्स एंड वोल्केनोस। जब हमारी एयर पल्यूट होती है तो क्या होता है, हम लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो वी शुड नॉट पल्यूट एयर, हमें एयर को पल्यूट नहीं करना है, ठीक है बेटा। नंबर टू, लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन क्या होता है, लैंड का गंदा होना। अब लैंड कैसे गंदी होती है, जब हम उसके ऊपर गार्बेज डाल देते हैं। हम लोग गार्बेज को डस्टबिन में ना डालकर अगर रोड पर डालेंगे तो उससे क्या होगी, हमारी लैंड गंदी होगी और लैंड पोल्यूशन होगा। या यूज़ ऑफ हार्मफुल केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स के यूज़ से भी हमारी लैंड पल्यूट होती है। तो वी शुड यूज़ डस्टबिन टू थ्रो गार्बेज टू प्रिवेंट लैंड पल्यूशन। नंबर थ्री, वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या होता है बेटा, मेकिंग वाटर डर्टी बाय एडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस इन इट इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। नाउ व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, यस, नंबर वन, टेकिंग बाथ और गिविंग बाथ टू एनिमल्स। खुद नहाना या अपने एनिमल्स को अगर हम वाटर बॉडीज में नहलाएंगे, नदियों में नहलाएंगे, उससे पानी पल्यूट हो जाता है। नंबर टू, वॉशिंग क्लोथ्स और यूटेंसिल्स। अगर हम नदियों के पानी में कपड़े धोएंगे या फिर हम वहाँ पर बर्तन साफ करेंगे, उससे भी पानी गंदा हो जाता है। नंबर थ्री, थ्रोइंग गार्बेज इन टू वाटर बॉडीज। अगर हम कूड़ा करकट पानी में डालेंगे, उससे भी पानी पल्यूट हो जाता है। नंबर फोर, डिस्चार्जिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड सीवेज इन टू वाटर बॉडीज। अगर हम इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट वाटर होता है या घरों का सीवेज जो होता है, अगर वो नदियों में जाएगा, उससे पानी पल्यूट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। और अगर पानी पल्यूट होगा तो जो वाटर एनिमल्स हैं वो क्या होंगे, दे विल फॉल सिक, वो तो इसी पानी को पियेंगे एंड दे विल डाई। सिमिलरली अगर हम इस पानी को पियेंगे तो हम भी बीमार पड़ जाएंगे। नंबर फोर, नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है बेटा, लाउड नॉइज इज वेरी हार्मफुल फॉर आर हियरिंग सिस्टम। लाउड नॉइज हमारे ईयर ड्रम्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। ये लाउड साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, ड्यू टू हॉकिंग ऑफ हॉर्न्स। अगर हम अननेसेसरी हॉर्न्स को बजाते हैं, व्हीकल्स की आवाज़, उससे भी नॉइज पोल्यूशन होता है। फैक्ट्रीज के अंदर बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उससे बहुत तेज़ आवाज़ निकलती है, उससे भी नॉइज पोल्यूशन होता है। सिमिलरली अगर हम ग्रुप में बैठे हैं और हम जोर जोर से बातें कर रहे हैं, उससे भी नॉइज पोल्यूशन होता है। अगर हम म्यूजिक सुन रहे हैं या हम टीवी देख रहे हैं और वॉल्यूम हाई करके रखते हैं, उससे भी नॉइज पोल्यूशन होता है। तो बेटा जब भी हम ग्रुप में बैठें और बातें करें, वी शुड स्पीक सॉफ्टली, हमें आराम से धीरे से बात करनी चाहिए ताकि हमारा हियरिंग सिस्टम डैमेज ना हो, ठीक है बेटा। बेटा अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो हमारा एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, डर्टी होना चाहिए कि क्लीन होना चाहिए? यस, क्लीन होना चाहिए। आवर एनवायरनमेंट शुड बी क्लीन टू स्टे हेल्दी। अब हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन रख सकते हैं, व्हाट स्टेप शुड वी टेक टू टेक केयर ऑफ एनवायरनमेंट, हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हम अपने एनवायरनमेंट की देखभाल कर सकें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज इन आर नेबरहुड। हमें अपने नेबरहुड में जो भी जगह खाली मिलती है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने हैं ताकि हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रहे। हमें पता है ना पौधे क्या करते हैं, पौधे हमारी एयर को क्लीन करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। नंबर टू, नोट यूज़ प्लास्टिक बैग्स। हमें प्लास्टिक बैग्स नहीं यूज़ करनी चाहिए क्योंकि प्लास्टिक बैग्स आर नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट। वो लैंड को पल्यूट करते हैं, अगर हम उनको बर्न कर दें तो वो एयर को पल्यूट करते हैं, और अगर इनको एनिमल्स खा लें तो एनिमल्स की डेथ भी हो जाती है। तो हमें कौन से बैग्स इस्तेमाल करने हैं, वी शुड यूज क्लोथ बैग टू कैरी द थिंग्स। नंबर थ्री, यूज डस्टबिन्स टू थ्रो गार्बेज। हमें गार्बेज को रोड पर नहीं फेंकना है, वी शुड यूज कवर्ड डस्टबिन टू थ्रो द गार्बेज ताकि हमारा एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन रहे। नंबर फोर, डू नॉट बर्स्ट फायर क्रैकर्स।
हम लोग फेस्टिवल्स पर लाइक दिवाली फायर क्रैकर्स बर्स्ट करते हैं। बेटा फायर क्रैकर्स बर्स्ट करने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है और बहुत तेज़ आवाज़ भी होती है, इससे एयर पोल्यूशन भी होता है एंड लैंड पोल्यूशन भी होता है। तो हम अगर चाहते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन रहे तो वी शुड नॉट बर्स्ट क्रैकर्स। यूज क्लीन फ्यूल, हमें क्लीन फ्यूल इस्तेमाल करनी है लाइक एलपीजी इन किचन। एलपीजी क्या होता है बेटा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो आपके घर में गैस सिलेंडर होता है उसके अंदर एलपीजी होती है जिससे कि स्मोक नहीं निकलता। सिमिलरली वी शुड यूज सीएनजी इन व्हीकल्स। सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हमें कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी का इस्तेमाल करना चाहिए एज ए फ्यूल इन व्हीकल्स। नंबर सिक्स, लिसन टू म्यूजिक एट लो वॉल्यूम। बेटा हम सबको सॉन्ग सुनना बहुत अच्छा लगता है, बट अगर हम उसको हाई वॉल्यूम पर सुनेंगे उससे हमारा हियरिंग सिस्टम डैमेज होगा, तो वी शुड लिसन टू म्यूजिक एट लो वॉल्यूम। इसी तरीके से अगर हम टीवी देख रहे हैं तो हमें उसका भी वॉल्यूम लो रखना चाहिए ताकि नॉइज पॉल्यूशन ना हो और हमारा इन्वायरमेंट नीट एंड क्लीन रहे। तो इट इज आवर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ आवर एनवायरमेंट। सो बेटा दिस वॉज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 22 आर इन्वायरमेंट। अभी हमने आर इन्वायरमेंट चैप्टर के बारे में पढ़ा कि इन्वायरमेंट क्या होता है, हमारा इन्वायरमेंट कैसे पोल्यूट होता है, कितने तरीके के पोल्यूशन होते हैं और अपने इन्वायरमेंट की देखभाल करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। नाउ आई विल टेल यू हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि हम फिलअप एंड ट्रूफोल्स कैसे कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी चूज एंड राइट द ओड वन, वो हमें कैसे करना है पेपर में अटेम्प्ट। सिमिलरली हमें वन वर्ड आंसर्स क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। बेटा इन योर क्वेश्चन पेपर थर्ड क्वेश्चन विल बी चूज एंड राइट द ओड वन। आपको फोर ऑप्शंस गिवन होंगी, आपको उनमें से देखना होगा कौन सा वर्ड ओड वन है और उसको आपने लिखना है। तो आपको पहले ध्यान से पढ़ना है, समझना है और सोचना है कि इसमें से कौन सा अलग है और क्यों। अब देखिए फर्स्ट वन, माउंटेन रिवर इंडिया गेट फॉरेस्ट, हमें फोर वर्ड्स गिवन है। अब हमने पढ़ा है कि एनवायरनमेंट दो तरीके के होते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट एंड मैनमेड एनवायरनमेंट। अगर हम माउंटेन की बात करें तो ये नेचुरल एनवायरनमेंट है, नेचर ने दिया है। रिवर भी नेचुरल एनवायरनमेंट है, इंडिया गेट मैन ने बनाया है, मैनमेड एनवायरनमेंट है एंड फॉरेस्ट नेचुरल एनवायरनमेंट है। तो इसमें से कौन सा अलग हुआ हमारा, इंडिया गेट। तो हम आंसर लिखते वक्त क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या है सी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आंसर सी। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन है, हमने यहाँ पर लिख दिया फर्स्ट, फर्स्ट का क्या आंसर है हमारा, इंडिया गेट। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इंडिया गेट। ठीक है बेटा, वो पहले हम ध्यान से इसको पढ़ेंगे समझेंगे और फिर देखेंगे कि इसमें से कौन सा अलग है और क्यों। अब सेकेंड वन देखिए, सैंडस्टॉर्म्स, लाउड म्यूजिक, वोल्केनोस, फॉरेस्ट फायर, चार ऑप्शंस गिवन है। अब हमें ये पता है कि ये है कॉजेज ऑफ पोल्यूशन। अब किससे कौन सा पोल्यूशन होता है ये हम देखेंगे। सैंडस्टॉर्म से कौन सा पोल्यूशन होता है बेटा, एयर पोल्यूशन। लाउड म्यूजिक से कौन सा पोल्यूशन होता है, नॉइज पोल्यूशन। वोल्केनोस से कौन सा पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन। और फॉरेस्ट फायर से कौन सा पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन। तो इसमें से कौन सा अलग हुआ, लाउड म्यूजिक, बिकॉज इट इज द कॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशन एंड अदर थ्रीज आर कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। तो हम आंसर लिखते वक्त क्या करेंगे, नंबर टू, क्योंकि क्वेश्चन नंबर टू है तो हम यहाँ पर टू लिख दिया और आंसर क्या हमारा, लाउड म्यूजिक। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लाउड म्यूजिक। ठीक है बेटा, तो आपने ध्यान से पहले पढ़ना है, समझना है और उसके बाद आपने अपना करेक्ट आंसर चूज करके कि कौन सा ओड वन है उसको चूज करके इस तरीके से लिखना है। बेटा क्वेश्चन डी, क्वेश्चन डी होगा राइट आंसर इन वन वर्ड। आपको आंसर वन वर्ड में देना है, यू हैव नो नीड टू राइट डाउन कंप्लीट सेंटेंस। आपको कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखना है, यू हैव टू राइट डाउन आंसर इन वन वर्ड ओनली। ठीक है, देखिए जैसे फर्स्ट है, नेम एनी वन काइंड ऑफ पोल्यूशन। आपको किसी एक तरीके के पोल्यूशन का नाम बताना है।
हमें पता है पोल्यूशन 4 टाइप्स के होते हैं, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। तो जिसके भी स्पेलिंग आपको सबसे ईजी लगते हैं आपने वो आंसर लिखना है। और आंसर लिखना कैसे है, क्वेश्चन डी, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आंसर डी। फर्स्ट वन, तो हमने यहाँ लिख दिया फर्स्ट। वन काइंड ऑफ पोल्यूशन, हमें पता है पोल्यूशन के नाम, तो हमने क्या लिख दिया, एयर पोल्यूशन। आप यहाँ पर लैंड पोल्यूशन भी लिख सकते हो, वाटर पोल्यूशन भी लिख सकते हो, नॉइज पोल्यूशन भी लिख सकते हो, जिसके भी स्पेलिंग आपको अच्छे तरीके से आते हैं आपने वो लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन टू है बेटा, नेम अ नेचुरल एनवायरनमेंट। आपको एक नेचुरल एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल बताना है। आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं लेकिन आपको लिखना सिर्फ एक है, तो आप लिखेंगे कैसे, आंसर नंबर टू, क्योंकि यहाँ पे टू है। नेचुरल एनवायरनमेंट के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, माउंटेन, रिवर, फॉरेस्ट, तो आप कुछ भी लिख सकते हो जिसके भी स्पेलिंग आपको अच्छे तरीके से आते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, रिवर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने वन वर्ड आंसर्स करने हैं, आपको कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखना है, यू हैव टू गिव आंसर इन वन वर्ड ओनली, ठीक है बेटा। सो बेटा, टुडे आई टोल्ड यू अबाउट हाउ टू अटेम्प्ट चूज एंड राइट द ओड वन एंड राइट आंसर इन वन वर्ड। क्वेश्चन सी एंड डी कैसे अटेम्प्ट करेंगे आप पेपर में, ये मैंने आज आपको बताया। बेटा आपको ध्यान से क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, ध्यान से पढ़कर उसको समझना है, और फिर उसके बाद नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आंसर लिखने हैं। आपको कोई पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना, यू हैव टू राइट डाउन आंसर्स ओनली, ओनली यू हैव टू राइट डाउन क्वेश्चन नंबर। जो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन पेपर पर गिवन होगा वही आप यहाँ पर अपनी आंसर शीट पर जब लिखेंगे तो वही आप नंबर लिखेंगे और वही सब पार्ट लिखेंगे, ठीक है बेटा। स्टूडेंट्स, Now I want to tell you something about National Science Day. Beta, National Science Day हर साल 28 फरवरी को हमारे देश में मनाया जाता है। आपको पता है National Science Day क्यों मनाया जाता है? इस दिन सर सीवी रमन ने रमन इफ़ेक्ट की खोज की थी, इसलिए 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। और सर सीवी रमन जी को इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। बेटा, साइंस हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम आजकल इतने ज़्यादा टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं और वो सब साइंस की ही देन है। हम लोग टीवी देखते हैं, मम्मी आपके कपड़े वॉशिंग मशीन में धोती है, हम अपने सामान को ख़राब होने से बचाने के लिए फ्रिज में रखते हैं, ये सब चीज़ें किसकी देन है, साइंस की। ये सब साइंस की ही इन्वेंशन है जिससे हमारी लाइफ इतनी कंफर्टेबल हो गई है। आप आजकल स्कूल नहीं आ रहे हो तो पढ़ाई कैसे कर रहे हो, मोबाइल से या लैपटॉप से? तो ये मोबाइल और लैपटॉप, ये इन्वेंशन भी साइंस की ही इन्वेंशंस हैं। आज अगर हमारे पास लैपटॉप या मोबाइल ना होता तो क्या हमारे लिए स्टडीज़ पॉसिबल थी? नहीं ना। आज हम बहुत आराम से पढ़ रहे हैं, हम आपको होमवर्क भेजते हैं, आप अपना काम पूरा करके फ़ोटो क्लिक करके हमें भेजते हो, आप हमारी वीडियोस देखते हो मोबाइल पर या लैपटॉप पर, तो जिससे हमारी स्टडीज़ पूरी हो सकी। तो ये सब साइंस की वजह से ही हुआ है बेटा। हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, एरोप्लेन, कार, ट्रेन, बस, जिससे कि हम बहुत जल्दी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। तो ये सब व्हीकल्स, ये भी हमारी साइंस की ही इन्वेंशंस हैं बेटा। जैसे वर्ल्ड में हमें कहीं भी जाना हो तो हम लोग बस, ट्रेन, एरोप्लेन यूज़ करते हैं। अगर हमें स्पेस में जाना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, स्पेस क्राफ्ट। वेरी गुड। और स्पेस क्राफ्ट को कौन चलाते हैं, एस्ट्रोनॉट्स। तो बच्चे, हमारे साइंटिस्ट लगातार इस चीज़ को खोज रहे हैं कि क्या मार्स प्लैनेट पर लाइफ पॉसिबल है। मार्स प्लैनेट मतलब मंगल ग्रह, जिसे हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं। इसीलिए नासा ने अपना एक रोवर जिसका नाम है परसेवरेंस रोवर मार्स पर भेजा था, जो कि 18 फरवरी 2021 को
मार्स पर लैंड हुआ। ये अपनी 7 मंथ्स की जर्नी को पूरा कर वहाँ पर पहुँचा है बेटा। और वहाँ पर ये क्या काम करेगा, ये फाइंड आउट करेगा वेदर लाइफ इज देयर ऑन द मार्स और नॉट, एंड इट विल स्टे देयर फॉर 2 ईयर्स एंड विल सेंड ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इट ऑन द अर्थ। दिस इज ऑल ड्यू टू साइंस दैट वी आर ट्राइंग टू फाइंड लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स। अर्थ के अलावा दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ को खोजने की हम कोशिश कर रहे हैं और ये सब साइंस की वजह से ही बेटा पॉसिबल है। इस तरीके से साइंस हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है और हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बना रही है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।